So welcome to my channel, and I hope you are doing well in your life, in your exams, and just in every like aspect of your life. This recording is from like one day before my SST exams, and like मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी, like literally मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई की थी, और हमें 3 दिन की like छुट्टी थी बीच में हमारे exams के, but मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी, because मेरा बिल्कुल मन नहीं था पढ़ाई करने का, मैं बहुत ही ज़्यादा fed up हो चुकी थी पढ़ के, बस like कि जो होगा देखा जाएगा, बस मैं पढ़ाई नहीं करूंगी. एंड फिर मुझे टेंशन हो गई, तो मैं थोड़ा मैंने पढ़ लिया रात में एक दिन सोने से पहले, एंड 17 मिनट मैंने पढ़ा होगा, 17-18 मिनट. एंड ये सुबह की बात है, एग्जाम के दिन की बात है, ये 4 बजे मैं उठ के पढ़ी थी. एंड मैं यहाँ पे दिगराज सर का रैपिड रिवीजन देख रही थी. 2 सब्जेक्ट का मैंने देखा था, 2 सब्जेक्ट का मैंने छोड़ दिया था, तो मैंने हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का देखा था, बाकी 2 सब्जेक्ट का छोड़ दिया था. आई वाज लाइक कि इसको एग्जाम से पहले रिवाइज करेंगे, लाइक एग्जाम से जस्ट पहले रिवाइज करेंगे. कैन यू इमेजिन कि मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ. सो अगर एग्जाम्स की बात करें, तो एग्जाम तो मेरा काफ़ी अच्छा अच्छा लगा है, जिस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन की थी उस हिसाब से काफ़ी अच्छा अच्छा लगा. MCQs थोड़े टफ आए थे, बट मेरा हो गया था, किस तरीके से मैंने तुक्का मार लिया था. बट लाइक मैप में 4 पॉइंट्स मुझे आ रहे थे, 5 पॉइंट्स लोकेट कर रहे थे, मुझे 4 पॉइंट्स आ रहे थे, 1 पॉइंट मैंने तुक्का मारा. और इमेजिन करो मैप में तुम्हारा तुक्का सही जा सकता है, लाइक बहुत कम चांसेस होते हैं मैप में तुक्का सही जाने के, बट भगवान की कृपा से मेरा तुक्का सही चला गया. एंड देन या एग्जाम काफ़ी ठीक गया. एंड फिर मैं छोला खा के गई थी, मतलब छोले का जो भी था. एंड मैं एग्जाम स्कूल में फ़ोन लेके गई थी, टीचर को मैंने सबमिट कर दिया था, बट शाम को लाइक छुट्टी के वक्त मैंने ले लिया था, और हमने कुछ फोटोज़ क्लिक की थी, बिकॉज लास्ट डे था स्कूल का, तो थोड़ी मेमोरीज बना रहे थे हम. तो यहाँ पे मैं ना एग्जाम के बाद ये हुआ कि 9th तो ख़त्म हो गई, अब 10th बाकी है. तो 10th के लिए ना मैं सोच रही थी कि पहले से कुछ प्रिपरेशन करके रखूँ, बिकॉज जब स्कूल चालू हो जाएगा तब तो टाइम नहीं मिलेगा करने का ये सब. तो मैं थोड़ी प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैं नोटबुक्स में ना कवर चढ़ा रही थी, बिकॉज मैंने नोटबुक्स पहले से परचेस कर रखी हैं. लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग प्रोसेस था, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था लिटरली कवर चढ़ाते चढ़ाते. बट फॉर्चुनेटली 9 ही नोटबुक्स में मुझे कवर चढ़ाना था, बिकॉज जो बाकी की नोटबुक्स थी ना उनको मैं, मतलब वो पुरानी मैं यूज़ कर रही थी, पुरानी इन द सेंस कि कुछ नोटबुक्स में ना मेरे 4 ही 5 पेजेस यूज़ हुए थे, तो मैं उनको फाड़ के यूज़ कर रही थी. एंड अगर आपको गाइज हॉल देखना है कि मैंने क्लास 10th के लिए कौन कौन सी स्टेशनरी परचेज की है, तो देखो मैंने उसकी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, तो आप सब देख सकते हो. एंड या हियर आई वाज डूइंग द स्टफ, एंड इट वाज रियली एक्चुअली रियली बोरिंग एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस. एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि 9th खत्म हो गया, 10th स्टार्ट हो रहा है, तो दैट वाज रियली इमोशनल. एंड मुझे रोने का मन कर रहा था एक्चुअली में, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा अजीब सी फीलिंग आ रही थी, और बहुत ज़्यादा मैच्योर सा और सीनियर फील हो रहा था, कि लाइक अब हम सीनियर क्लास में जा चुके हैं. बहुत वियर्ड सी फीलिंग आ रही थी, आई डोंट नो, बहुत गंदी सी फीलिंग आ रही थी. एंड मुझे फिर अपनी पुरानी जर्नल मिल गई, लाइक 2021 की, एंड मैं उसको गो थ्रू कर रही थी. एंड भाई साहब जो फ्लैशबैक्स आ रहे थे ना, बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग थी. तो मैं आप सबको रिकमेंड करूँगी कि आप सब जर्नलिंग स्टार्ट करो. So guys, this is me on Snapchat, and yeah, I look good on Snap. Trixie, what are you eating? क्या खा रही हो? क्या खा रही हो? तो ये बर्फ बहुत ज़्यादा पुरानी है, I don't know how it will taste. Bro, I literally failed this one because इसके ऊपर की sugar coating squishy है. You can see that. Oh shit. तो अंटिल वाला शुगर सिर्प रेडी हो रहा है, मैं ये वाला टेस्ट करने आ रही हूँ. एंड ब्रो ये कितना मस्त दिख रहा है, लाइक आई मीन फोटोज़ में ये नॉर्मल लगता है, बट रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा शाइनी लग रहा है. एंड गॉर्जियस, इट्स लुकिंग गॉर्जियस. एंड मेरे चॉपस्टिक पे देखो शुगर सिरप लग गई है पूरी. इट इज स्टिकी, इट इज क्वाइट स्टिकी. मेरे पूरे फ्रॉक पे ऑरेंज जूस गिर, मेरे पूरे फ्रॉक पे ऑरेंज जूस गिर गया है. मैं बोल नहीं पा रही क्योंकि मेरे मुंह में पूरा चिपक रहा है.
कैंडेड ऑरेंज बनाते बनाते या फिर टांग थांग बनाते बनाते मेरा चीनी जल गया और मैंने उससे ये बनाया जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा भाई। धूप में इट इज लुकिंग लाइक आर्ट वर्क भाई। अच्छा फैशन शो में वो कपड़े पहनाते हैं जालियों जैसे एंड बटरफ्लाइज जैसे, ये ऐसा भी कपड़ा पहनाना चाहिए कॉटन कैंडी वाला ब्रो। इट इज़ लुकिंग फ्रिगिंग ऑसम, मतलब मैं उनको फ्री में आइडिया दे रही हूँ। इट इज़ लुकिंग सो गुड, ऐसा लग रहा है गोल्ड हो ये। By the way, it's not gold. I'm gonna eat this. Yes, okay. Let me fix my lens. Okay. So I look pretty good on Snapchat. I mean, like Snapchat makes everyone look pretty good. And okay, so this filter is actually looking pretty good. But I'm not looking good in this filter. So I'm looking pretty mature in this filter. So everyone says I look Nepali in this filter, like I look like a Nepali. I think I look like an Indian, I don't look like Nepali. What about this one? This one looks pretty good. I mean like it looks pretty good. I got out and the scenery was really good. So this is me studying history of class 10th. And guys, this video has a really weird story behind it because I edited this video like 3 times. But due to some glitch, some freaking glitch, kuch bhi nahi ho paya dhang se. And ye video thoda ajeeb sa ban chuka hai. And I hope you liked the video. And yeah guys, I'm really sad that I couldn't deliver the full video due to some glitch. And yeah, bye bye.